उदाहरण चार, यदि पी क्यू समांतर आर एस है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के। बच्चों अब हम चलिए उदाहरण चार को हल करते हैं। उदाहरण चार का चित्र आपके सामने दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस के समांतर है। एक रेखाखंड पी क्यू आप देख रहे हैं और दूसरा रेखाखंड आर एस है, ये दोनों आपस में समांतर हैं और पी को एस से मिलाया गया है और क्यू को आर से मिलाया गया है। दोनों एक दूसरे को ओ पर काटते हैं, इससे दो त्रिभुज बन रहे हैं पी ओ क्यू और एस ओ आर। तो हमें सिद्ध करना है कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए आगे बढ़ें हम और सिद्ध करने के लिए यहीं से शुरू करें जो हमें जानकारी दी हुई है। हमें दिया हुआ है कि पी क्यू समांतर है आर एस के। अब देखिए पी क्यू और आर एस समांतर हैं और क्यू आर एक तिरेक रेखा उन्हें काट रही है। तो क्यू आर जब उन्हें काटेगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो आर पर बनने वाले कोण, माने क्यू पर बन रहा हुआ कोण आर पर बन रहे कोण के बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे। आपको मालूम है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरेक रेखा काटती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कोण क्यू कोण आर के बराबर है। तो हम लिखें इस बात को, कोण क्यू बराबर है कोण आर के, चूँकि ये एकांतर कोण है। ठीक इसी तरह से देखिए एक बार फिर से, पी क्यू और आर एस समांतर है और अब की बार तिरेक रेखा पी एस उन्हें काट रही है। तो यहाँ जो एकांतर कोण बनेंगे वो पी पर बनेंगे और एस पर बनेंगे और दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे क्योंकि पी क्यू और आर एस समानांतर हैं। तो आप इन्हें भी लिख सकते हैं कि कोण पी बराबर कोण एस, ये भी एकांतर कोण है। अब इन दोनों कोणों को देखिए, ये शीर्षाभिमुख कोण है, दो सरल रेखाएं हैं क्यू आर और पी एस, दोनों एक दूसरे को ऊपर काट रही हैं। तो यहाँ जो कोण बनेंगे शीर्षाभिमुख कोण होंगे और आप इन्हें बराबर करके लिख सकते हैं। तो पी ओ क्यू कोण पी ओ क्यू बराबर कोण, इसको आप लिखेंगे एस ओ आर, इन्हें आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। यदि आप इसे ऐसा नहीं भी लिखते तो कह सकते थे कि किसी त्रिभुज के तीन में से दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के अलग अलग बराबर हैं तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर होगा, ऐसा भी आप कह सकते थे। तो इन तीनों के आधार पर आप देख रहे हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू के तीन कोण त्रिभुज एस ओ आर के क्रमशः तीन कोणों के बराबर हैं और आप जानते हैं कि दो त्रिभुजों के कोण संगत कोण यदि आपस में बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि त्रिभुज पी ओ क्यू, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज एस ओ आर के, त्रिभुज एस ओ आर के। और यही आपको इस उदाहरण में सिद्ध करना था।